थाने के गेट का घेराव किया, क्या मसला है, क्या मामला है? और आप थाना राया क्षेत्र में 17 तारीख से लगातार ये मामला चल रहा है कि नजदीक गांव की एक नाबालिग लड़की को एक मुसलमान लेके चला गया और पुलिस हमें टाइम पे टाइम दिए जा रही है, जबकि हमने 24 घंटे पहले, 3 दिन पहले भी हम लोग यहाँ आए हैं और हमने थाने का घेराव किया था, तब हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम देके गए थे। आज एक दिन एक्स्ट्रा इनको मिला है, उसके बाद भी लड़की का सुराग नहीं है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हिंदूवादी कई संगठन और हिंदूवादी लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके गांव के भी कुछ लोग यहाँ आए, उनके समर्थक यहाँ आए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि अगर लड़की हमें नहीं मिलेगी तो हम थाने से नहीं जाएंगे, थाना हमारा है। 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, हम यहीं रहेंगे, लड़की को वापस लेकर ही जाएंगे। अभी क्या आश्वासन दिया गया है आपको? आश्वासन दिया गया कि रात को 10 बजे तक लड़की आने की उम्मीद है, तो अभी 4 घंटे हैं सिर्फ हमारे पास। अगर 4 घंटे में लड़की आ जाती है तो ठीक है, लड़की आएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। लड़की 4 दिन तक नहीं आई, 4 महीने तक नहीं आया, हम यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे इसी थाने में। अभी तो हम शांतिजनक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इन लोगों ने नहीं सुनवाई की तो ये प्रदर्शन बहुत उग्र होगा और हम बहुत ज्यादा इतना हाइपर हो जाएंगे कि हम रोड जाम करने में मजबूर हो जाएंगे। अगर लड़की की बरामदगी नहीं करते 4 घंटे के अंदर, अगर लड़की हमें नहीं मिलती, अगर कुछ भी हमारे जो हिंदू लोग कुछ भी अगर एक्शन लेते हैं तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका, क्योंकि प्रशासन ने अपना पूरा टाइम उनका हो चुका है और प्रशासन बिल्कुल भी उनके कान के बगल में धुआं नहीं रख पा रहा है। प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में किसी भी वारदात का खुलासा कर सकता है, लेकिन 7 दिन में लड़की नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह पुलिस काम नहीं करना चाह रही है और शासन को ये खुलेआम बदनाम कर रहे हैं। प्रशासन में जो जितने लोग बैठे हैं वो शासन को बदनाम करने के लिए बैठे हैं। हमारे जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बिल्कुल खुले शब्दों में, ये कड़े शब्दों में ये आदेश है कि चाहे लव जिहाद हो चाहे धर्मांतरण हो, ऐसा कोई कृत्य उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे। कल रात को हम लोगों ने धर्मांतरण का इतना बड़ा मामला पकड़ा जहाँ 100 लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा था, इस लड़की के लिए हम 7 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन को समझ में नहीं आ रही चीजें। कोई कन्फर्म इतना 11 बजे सकते हैं, 6 घंटे मतलब 12 बजे रात बारह। अरे अरे गैजेट ऑफिसर इतनी बड़ी भीड़ में कह रहा है, ऐसा तो कह नहीं रहा। ना ना बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसीलिए।